हेलो बच्चों, देखो बैठे बैठे दिमाग में एक आइडिया है मेरे कि आपके 90+ के टारगेट को अचीव कराने के लिए सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम 2021, इसके लिए ये वीडियो है। इसके लिए एक नया प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ मैं 90+ से सिक्योर करने के लिए। 90+ सिक्योर करने के लिए मैं एक नया सीरीज लेके चल रहा हूँ, खास करके सेकेंड बुक को ध्यान में रखते हुए। मैं यहाँ पर कई तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ऑर्गेनिक को, और सिर्फ वही बातें होंगी जो कि एनसीईआरटी पर सेंट्रलाइज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ कन्वर्जन्स कराऊंगा। ये जो कन्वर्जन्स है चैप्टर वाइज रहेंगे ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन को समझने में। तो चैप्टर वाइज कन्वर्जन होंगे। ये पहली प्लेलिस्ट हमारी तैयार होने वाली है कन्वर्जन सीरीज नाम से। हमारा मिशन वही है 90+, ठीक है ना। तो मिशन 90+ के लिए पहला सीरीज लेके जो आ रहा हूं मैं, खास करके सेकंड बुक पर कमांड करने के लिए, वो है आपका कन्वर्जन सीरीज। फिर एक दूसरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें डिस्टिंक्शन सारे डिस्कस करेंगे। तीसरी प्लेलिस्ट जिसमें हम मैकेनिज्म जो कि सीबीएसई में खूब पूछा गया वो लेके चलूंगा। इतनी बात समझ आ रही है। और फिर एक चौथी प्लेलिस्ट एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, और एक पांचवी जिसमें अननोन्स को प्रेडिक्ट करना होता है, यू नो इन टेक्स्ट वाले वो एग्जांपल वाले क्वेश्चन कि ये रिएजेंट डाला क्या बनेगा, ये रिएजेंट डाला क्या बनेगा, ऐसे वाले। तो तैयार हो जाओ, आपको ज्यादा मेहनत अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी मेहनत मेरी ही है। आपको सिर्फ इतना करना है, घर बैठे इस वीडियो को देखना, इन प्लेलिस्ट को पूरा चाट जाना है, आना इधर से, ये गारंटी है। तुम जानती हो कि क्वेश्चन जो प्रेडिक्ट करता हूँ वो आ जाते हैं। तो ये सब आपके लिए है, आपके दोस्तों के लिए। यू कैन शेयर इट इफ यू वॉन्ट, ठीक है ना। अदरवाइज आप खास करके मेरे बच्चे इन वीडियोस को तो जरूर देखेंगे एग्जाम एग्जाम तक, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाए। सो गेट रेडी, पहली सीरीज हमारी शुरू होती है यहाँ से, कन्वर्जन सीरीज। इसकी प्लेलिस्ट में चार ऑर्गेनिक के चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एंड देन एमीन्स, इनके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो कि एनसीईआरटी में वो कराने जा रहा हूं। सो गेट रेडी गाइज, चलिए शुरू कर देते हैं। चलो बच्चों देखो, पहले ये चैप्टर 10 में जो आपके कन्वर्जन्स हैं एनसीईआरटी में, वो इन्हीं के आसपास सेंट्रलाइज्ड हैं, ठीक है ना। ये आपके पास 9 क्वेश्चन है। इस 9 के 9 क्वेश्चन में जो कन्वर्जन कराया है मैंने, वो एल्कीन से कोई प्रोडक्ट बनवाया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एल्कीन से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने को बोला। एल्कीन पर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और वो या तो हमने पढ़ा था मार्कोनिकोफ एडिशन या एंटी मार्कोनिकोफ। मार्कोनिकोफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म से आगे होता है, बढ़ रहा होता है रिएक्शन, और जो एंटी मार्कोनिकोफ है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ रहा होता है। वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट मैकेनिज्म। आज का जो ये लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई पर ही बात हो रही है हमारी, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कि क्या रिएजेंट डालना है, क्या बनेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो ये 9 कन्वर्जन ध्यान से देखिए, एल्कीन से कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर एक फ्लो चार्ट में हो जाए तो उनको एक फ्लो चार्ट में। ये टाइप 1 है हमारे कन्वर्जन जिसमें एल्कीन से कुछ बना रहे हैं। हम टाइप 2 भी देखेंगे, अल्काइल हैलाइड से एल्कीन पर आने वाले, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सोच समझ के ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया मैंने। सब लोग ध्यान से देखें, सबसे पहला क्या है कि आपके पास है प्रोपीन। देखिए यहां पर सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यू हैव गॉट प्रोपीन CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपको बनाना है 1-bromopropane। बच्चों 1-bromopropane का मतलब कहां पर लाना है, कार्बन नंबर 1 पर लाना है। कार्बन नंबर 1 पर ज्यादा हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिक ऑफ कराना होगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ कराने के लिए आपने क्या डालना होता है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, ऑर्गेनिक परोक्साइड। सो HBr परोक्साइड आप इसमें डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा 1-bromopropane, 1-bromopropane। तो ये आपका एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, सही जी। एक कन्वर्जन हो गया, मैं इसी में दूसरा भी कर रहा हूं। प्रोपीन से बनाना है 2-bromopropane। सब लोग ध्यान से देखिए, ये पहला हो गया बच्चे, ये पहला हो गया, आंसर नंबर 1 हो गया। प्रोपीन से अगर आपने 2-bromopropane बनाना था तो आपको मार्कोनिकोफ एडिशन कराना है, क्योंकि आपको ब्रोमीन यहां चाहिए। यहां चाहिए मतलब उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे चाहिए जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनिकोफ एडिशन कराएंगे हम, इसमें डाल देंगे HBr, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाना है, हमें मिल जाना है 2-bromopropane। तो ये हो गया आपका सेकंड कन्वर्जन, राइट। एच इस पर आ जाएगा, बी आर इस पर चला जाएगा। एच मैंने ऑलरेडी लिख दिया, बी आर को लिख दिया, ओके जी। तो 2 कन्वर्जन हो गए, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। अब प्रोपीन से बनाना है 2-iodopropane, हमें 2 पर आयोडो ग्रुप चाहिए। तो मार्कोनिकोफ HBr के साथ भी कर सकते हैं, मार्कोनिकोफ HCl के साथ भी कर सकते हैं, मार्कोनिकोफ HI के साथ भी कर सकते हैं। तो आपने यहां पर सिर्फ और सिर्फ HI डाल देना था, HI डाल दीजिए एल्कीन में, तो मार्कोनिकोफ एडिशन हो जाएगा, 1-step कन्वर्जन। यहां से अगर NaI एसीटोन डालते हो, फिंकरस्टीन कराते हो, तो 2-step में आपको कोशिश ये करनी कम से कम स्टेप में कन्वर्जन हो जाए, सही है। तो आपने यहां पर क्या करना था बताइए, मार्कोनिकोफ एडिशन ऑफ HI, ठीक है ना। आयोडो ग्रुप यहां पर आ जाएगा, आपका आंसर नंबर 3 तैयार है, कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट प्रोपीन से लेकिन बनाना है 1-iodopropane।
अब सभी को पता है कि सर ने बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr के साथ होगा परोक्साइड की प्रेजेंस में। HI परोक्साइड डालने पर भी मार्कोनिकॉफ होता है, HCl परोक्साइड डालने पर भी मार्कोनिकॉफ होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr के साथ ही देखने को मिलता है, रीजन क्लास में बताया था, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको वन पर आयोडो चाहिए। एक ही तरीका है, अब एक ही तरीका है कि पहले वन पर कार्बन नंबर वन पर ब्रोमो ग्रुप ले आओ, जो कि हम ले आ चुके हैं। अब आयोडो में इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इसमें डाल देंगे सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। बच्चों रिएक्शन का नाम भी याद कर लो, ये था आपका फिंकलस्टीन, कि जब किसी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड में सोडियम आयोडाइड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन वी गेट आयोडो एल्केन, दैट वाज फिंकलस्टीन। बात समझ आ रही क्या? तो यहां आ गया आपका आयोडो ग्रुप, फिंकलस्टीन करा दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में। नेक्स्ट बच्चों ध्यान से देखो कि अब हमें बनाना है प्रोपीन से वन फ्लोरो प्रोपेन। नाउ यू नीड फ्लोरो एट कार्बन नंबर वन अगेन, आपको फ्लोरो ग्रुप चाहिए बच्चे कार्बन नंबर एक पर, मतलब फिर से कराना है आपको एंटी मार्कोनिकॉफ। बच्चे एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे होगा? परोक्साइड की प्रेजेंस में, लेकिन सिर्फ HBr का ही होता है, लेकिन सिर्फ HBr का ही होता है। भाई साहब आपको बनाना है वन फ्लोरो प्रोपेन, आपको पहले कार्बन पर फ्लोरो चाहिए, आपके पास मार्कोनिकॉफ करने से प्रोडक्ट नहीं बनना। और HF और HF के बारे में पढ़ा है कि वो पुअर एसिड है, पुअर एसिड है, जनरली वो डिसोसिएट ही नहीं होता है H प्लस और F माइनस में, तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो भूल ही जाओ। तो जब आपने ब्रोमो ग्रुप को वन पर ले आ दिया है, ऑलरेडी आप ले आए हैं यहां तक, तो बस यहां पर करा दो आप स्वार्ट्स रिएक्शन। रिमेंबर स्वार्ट्स रिएक्शन, यस, कि इसमें हमने इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डालना होता है, हैवी मेटल फ्लोराइड डालना होता है, AgF, COF2, SbF3, HgF2, याद है ये सब हम डाल सकते थे। तो मैंने इसमें डाल दिया AgF, सिल्वर फ्लोराइड, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आपका ब्रोमो रिप्लेस हो जाएगा, मतलब सब्सिट्यूट हो जाएगा फ्लोरो से। बच्चों देख लो अब तक हमने टोटल कितने कन्वर्जन कर लिए, टोटल हमने पांच कर लिए हैं भाई, देख लो इसी प्रोपीन से। स्टार्टिंग विद प्रोपीन वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। लास्ट प्रोपीन से ही बनाना है, प्रोपीन से बनाना है वन फ्लोरो प्रोपीन। अच्छा ये पांचवा तो हो गया वन फ्लोरो। अच्छा इसमें ना एक और प्रोपीन वाला दिख रहा है, इसको भी निपटा लेते हैं। देखो बच्चों पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, पांचवा हो गया, टू आयडो वन आयडो तो हो ही गया ना, यस सर, एक दो तीन चार पांच। ये हम करने जा रहे हैं प्रोपीन से वन नाइट्रो प्रोपेन, वन नाइट्रो प्रोपेन। तो आप मुझे बताओ वन पर नाइट्रो लाना है, क्या Br को ले आए हो? हाँ जी सर। तो Br को क्या हम हटा के नाइट्रो ला सकते हैं? क्या हमारे पास कोई तरीका है? हाँ सर, आपने वो पूरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट दी थी, KCN डालो तो CN माइनस आएगा, AgCN डालो NC माइनस आएगा, AgNO2 डालो तो NO2 ग्रुप आएगा, सही है ना, NaNO2 या KNO2 डालो तो ONO ग्रुप आएगा। याद है डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स आते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता था। तो बच्चों हम क्या कर सकते थे कि इसी ब्रोमाइड में आप डाल सकते थे AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड डालेंगे तो नाइट्रो ग्रुप आएगा, ब्रोमो को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो आपका वो प्रोडक्ट जो आप चाहते थे मिल चुका है। ये हो गया आपका वन नाइट्रो प्रोपीन, दिस आर ऑल फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो एक बार मैं क्या करता हूं कि बता देता हूं कि कौन सा आंसर है ना। आपने प्रोपीन से शुरू किया, सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू आंसर नंबर वन, है ना। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये दूसरा आंसर था, ठीक है। प्लीज आप इस ट्री को देखें, इस रोड मैप को देखें, हम अलग अलग कन्वर्जन प्रोडक्ट्स तक जा रहे हैं, स्टार्टिंग विद द सेम मटीरियल, स्टार्टिंग विद द सेम रिएक्टेंट, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा। भाई समझ आएगा तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। प्रोपीन वाले सारे हमने कर लिए, अब देखना हमारे कौन कौन सा रह गया बच्चे, ये रह गया और ये रह गया, ब्यूटीन से शुरू करना, ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए फिर हम दूसरा देखते जा रहे हैं। तो बच्चों देखो अब तक हमने ये सारे कन्वर्जन कर लिए, बचे हुए इनमें से तीन है, आइए इन तीनों को देखते हैं। टू मिथाइल प्रोपीन, पहले तो टू मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। प्रोपीन बना लिया मैंने, प्रोपीन मेरे ख्याल से बच्चों आप मानते होंगे यही होता है, और सेकंड कार्बन पर क्या ग्रुप जुड़ा है बताइए, मिथाइल। चलिए जी मिथाइल ले आते हैं, हाइड्रोजन भर लो, यहां पर दो हाइड्रोजन आएगा, यहां इस कार्बन पर एक आएगा, एक भी नहीं आएगा, चार बॉन्ड बन चुके हैं और यहां पर तीन हाइड्रोजन आएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू मिथाइल प्रोपीन एंड दिस वन इज ऑल्सो नोन एज आइसोब्यूटीन, इसको आइसोब्यूटीन भी बोलते हैं। अब देखिए इसको बदलना किसमें है, इसको बदलना है टू आयोडो टू मिथाइल प्रोपीन में, टू आयोडो टू मिथाइल प्रोपीन में। अब मुझे तुम एक बात बताओ यार, टू आयोडो टू मिथाइल का क्या मतलब, कि कार्बन नंबर टू पर आयोडो भेजना है, कार्बन नंबर टू पर आयोडो भेजना है, तो यानी कि मार्कोनिकॉफ कर दीजिए ना,
क्योंकि मार्कोनिकोफ में हाइड्रोजन कम जहां पर होगा, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा वहां जाता है न्यूक्लियोफाइल, है कि नहीं? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था बताइए, नाम से अगर जाते तो लगता कितना टफ कन्वर्जन है भाई साहब, यहाँ सिंपली मार्कोनिकोफ कर लेना है। एल्कीन के जितने क्वेश्चन आएंगे मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ वाले ही आएंगे यार, थोड़ा ध्यान रखो, हद से हद इकोजोनोलिसिस आ सकता है, ठीक है ना? ओके, तो आपको सेकंड कार्बन पर मिल जाएगा आयोडो ग्रुप, आयोडो ग्रुप यहाँ पर एच आ चुका है, यहाँ आ गया है आयोडो ग्रुप, इज दैट क्लियर? वी गॉट आवर टू आयोडो टू विद प्रोटीन। तो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 6, तो छठा भी कर लिया। अब नेक्स्ट टू जो कन्वर्जन है ना बच्चों, वो ब्यूटवनीन से, ब्यूटवनीन से। तो लेट अस स्टार्ट नंबर 8 एंड नंबर 9, इसी में करा देता हूं एक साथ। आपके पास है ब्यूटवनीन, चार कार्बन का एल्कीन, चार कार्बन का एल्कीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटवनीन, कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्या बोलता है वो, ब्यूटवनीन से बनाइए 1-bromobutane। अब यार फिर से वही 1-bromobutane का मतलब कार्बन नंबर 1 पर भेजना है, मतलब जहां हाइड्रोजन जाता है वहां भेजना है, मतलब एंटी मार्कोनिकोफ कराना है, क्या लाने के लिए ब्रोमो, ठीक है हो जाएगा सर। सर ब्रोमो तो आ ही जाता है एंटी मार्कोनिकोफ से, वो तो क्लोरो नहीं आता ना, आयोडो नहीं आता ना एंटी मार्कोनिकोफ पर, क्या लाना है हमें ब्रोमो। चलिए इसमें हमने डाल दिया, क्या डालना होता है एंटी मार्कोनिकोफ के लिए, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परोक्साइड, बेंजोइल परोक्साइड ले लो, एसिटाइल परोक्साइड ले लो, ठीक है? तो हमें मिलना है 1-bromobutane। बड़ा ही आसान आसान कन्वर्जन है यार, डरा नहीं करो कन्वर्जन में तो, ठीक है ना? इतना सिस्टमैटिक ये वीडियो बनाने जा रहा हूं ना, इतना सिस्टमैटिक कि आप देख लो सिमिलर टाइप के कन्वर्जन एक जगह। इस कन्वर्जन में मैंने क्या लिया था, एल्कीन, क्या बनाया अलग अलग प्रोडक्ट, अगले में देखना अल्कोहल लेकर के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ, बहुत सिस्टमैटिक चलेंगे, कन्वर्जन ऐसा होगा कि बच्चों को समझ आ जाएगा, क्योंकि मिलते जुलते कन्वर्जन को एक जगह रखने का एक फायदा जानते हो क्या है, कि बच्चों को रिएजेंट भी याद हो जाता है, बच्चों को रिएक्टेंट भी याद हो जाता है। अच्छा एल्कीन है तो सर ने बताया मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ करने, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बड़ा ही आसान सा ये वीडियो है, इजी वीडियो है, कम टाइम में इफेक्टिव वीडियो है, देखना जरूर भाई, है ना? एंड कृपया करके कमेंट करें, कमेंट में गाली भर दें, कमेंट में गाली भर दें, क्या कर सकते हो, है ना? फर्क नहीं पड़ता यार। चलो हाँ, इसमें क्या बनाना है आपको, बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके ओके ओके, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड सर ने बोला है क्या, यानी कि यहां जो ब्रोमो आया है उसको आयोडो में बदलना है, एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, क्या तरीका है, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन फिंकलस्टीन, मतलब आपको समझ लो दो स्टेप में जाना ही पड़ेगा, नॉट इन अ सिंगल स्टेप, नॉट इन अ सिंगल स्टेप, व्हाई, बिकॉज एंटी मार्कोनिकोफ रूल से तो आयोडो आते ही नहीं है, दो स्टेप लगने ही लगने हैं भाई, ठीक है? तो बन जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2 एंड I, ठीक है? इसमें एक और सवाल जोड़ी देता हूँ, एक और सवाल जोड़ता हूँ बच्चों आपके लिए, ठीक है ना? और फिर बताऊंगा कि ये जो अभी इस चैप्टर के हिसाब से दो स्टेप में हो रहा है वो एक स्टेप में भी हो जाता, वो अल्कोहल चैप्टर की बारी। देखो एक और जोड़ देता हूँ, सपोज द क्वेश्चन वाज कि ब्यूट वन इन से ब्यूटेन टू ओल बनाओ, ठीक है कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप जानते हो जिन्होंने अल्कोहल चैप्टर अभी तक पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डरिए नहीं, आपको ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ। ब्यूटेन टू ओल बनाने के लिए, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए सर ने दो मेथड पढ़ाए थे, इनफैक्ट तीन मेथड पढ़ाए थे। सबसे पहले एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन पढ़ाया नहीं ये सब, और एक होता है हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन, ये अल्कोहल में पढ़ाया था, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ चैप्टर 10 के हिसाब से किया जाए, अलग बात है कि स्टेप्स यहाँ ज्यादा लगने वाले। तो देखो चैप्टर 10 के हिसाब से मैंने ये बताया कि सबसे पहले इधर ब्रोमो को ले आओ, ले आएंगे ब्रोमो को, सर इस पर लाना है क्या, हाँ जी इस पर लाना है, क्या करेंगे मार्कोनिकोफ कर लेंगे सर, HCl के साथ कर लो, HBr के साथ कर लो, HI के साथ कर लो। तो मान लो मैंने इसमें क्या कर दिया, HBr डाल करके ब्रोमो को बुला दिया, यहाँ पर कहाँ पर आएगा ब्रोमो, 2 पर, लो जी 2-bromobutane बन गया, वी गॉट 2-bromobutane, यस दिस इज 2-bromobutane। क्या हम इस ब्रोमो को सब्सटीट्यूट कर सकते किसी चीज से, हाँ सर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करा दीजिए। अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है, हमें इसको किस में बदलना है, अल्कोहलिक में, अल्कोहल में बदलना है इसको, अल्कोहल में बीआर हटाना है, OH लाना है, एक ही तरीका है सर, एक्वस KOH डालिए, एक्वस NOH डालिए, ठीक है, एक्वस KOH या एक्वस NOH, एक्वस KOH से OH माइनस जो आता है दैट अटैक्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की तरह जब वो अटैक करेगा तो आपको मिल जाएगा ब्यूटेन टू ओल। बच्चों लेकिन जैसा मैंने बताया है कि अभी ये हमने जो मेथड लगाया है ब्यूटेन टू ओल तक आने का, इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, कि ब्यूटीन से पहले ब्रोमो ब्यूटेन मिला और फिर उससे आपको ब्यूटेनॉल मिला, फिर उससे आपको क्या मिला, ब्यूटेनॉल मिला, मेरी बात समझ आ रही है क्या?
ठीक है, लेकिन हम चाहते तो यहां से यहां तक डायरेक्ट आ सकते हैं। याद करो कहां पर पढ़ा है ये पढ़ा है मैंने अल्कोहल चैप्टर में। अगर आपकी अल्कोहल चैप्टर तैयार है अभी तक, है ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा, वरना कन्वर्जन सीरीज में ही अगला वीडियो जो होगा ना किसके बारे में होगा, अल्कोहल चैप्टर के सारे कन्वर्जन। अभी कौन से चैप्टर के कन्वर्जन सारे देखे, चैप्टर 10 भाई, बहुत ही सिस्टमैटिक चल रहा है। लेकिन मैं यहां पर वो मेंशन कर देता हूं कि अगर आप चाहते तो इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके ये प्रोडक्ट बना सकते थे, यू कैड हैव गॉट दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो चलिए देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमारा बन गया यानी सारा। पहला क्या था, 2-methylpropene से 1-hydro-2-methylpropene, यस दिस इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैं ग्रीन बॉक्स में रख रहा हूं, ठीक है। ब्यूटवालिन से आपका बनना था 1-bromobutane, हाँ जी ये भी एक प्रोडक्ट है। 2-bromobutane सर ये भी एक प्रोडक्ट है, और यहां से हम कहां आ गए हैं, ब्यूटेन टू होल पर, और एक हमें जाना था कहां पर, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, इसको नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड या 1-hydro-butane भी कह सकते हो। तो देखिए इस पहले वीडियो में अभी अभी और आगे चलेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर 10 के सारे कन्वर्जन नहीं किए हैं, चैप्टर 10 में एक टाइप के कन्वर्जन किया, एल्कीन से कुछ और बनाया था। तो अब देखो इसको पहले आप कॉपी करो, और फिर इसके बाद हम दूसरे तरह के कन्वर्जन देखने जा रहे हैं जिसमें हम अल्कोहल वैल्कोहल से कहीं और आ रहे होंगे। कॉपी कीजिए जल्दी बच्चों। अब ये जो कन्वर्जन है इसमें जरा ध्यान से देखिए, मैंने रिएक्टेंट क्या सेलेक्ट किया, ध्यान से देखिए और खुद बताइए रिएक्टेंट क्या है, अल्कोहल। इसका मतलब कि अल्कोहल चैप्टर में भी कन्वर्जन माने जा सकते हैं कि अल्कोहल चैप्टर के भी है, पर इसको मैं इस चैप्टर के हिसाब से भी बताऊंगा, और कुछ चीजें जो अगले चैप्टर के हिसाब से होंगी वो भी बता के चलूंगा, मजा आ जाएगा इन कन्वर्जन में। देखो शुरू के पास तो भाई एक ही फ्लो चार्ट में बनेगा, इथेनॉल से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव गॉट इथेनॉल दैट इज CH3CH2OH, ठीक है। पहला कन्वर्जन क्या कह रहा है, इथेनॉल से बनाइए इथाइल क्लोराइड, मतलब कि OH को हटाना है Cl को लाना है। अच्छा ठीक है, सर ने तो पूरी लिस्ट लिखवाई है, SOCl2 डाल दो, PCl3 डाल दो, PCl5 डाल दो, रेड फॉस्फोरस Br2 डाल दो, रेड फॉस्फोरस I2 डाल दो, ल्यूकस रिएजेंट डाल दो, कंसेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, NaBrH2SO4 डाल दो, NaCl H2SO4 डाल दो, पर याद रखना NaIH2SO4 नहीं, बताया था ना रीजन, हाँ वही ओके। तो इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, इथाइल क्लोराइड, क्या डाल सकते थे, बेस्ट वन SOCl2। Why was this best method क्यों था, क्योंकि हाँ SO2 गैस और HCl गैस जो एलिमिनेट हो रही है, जो निकल रही थी एज अ बाय प्रोडक्ट, वो एलिमिनेट हो जाती, वो कंटेनर से अपने आप भाग जाती है, गैसियस बाय प्रोडक्ट है, तो इथाइल क्लोराइड प्योर फॉर्म में मिलता है। इसको डार्जन प्रोसेस भी बोला था, है कि नहीं। अच्छा जी, तो OH को हमने कर दिया सब्सिट्यूट, और OH की जगह पर आ गया Cl। पहला कन्वर्जन एक स्टेप में हो गया सर, समझ आ रहा है, अरे बता दो भैया, बिना कमेंट किए मत जाना, ठीक है ना, वीडियो के नीचे काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ सपोर्ट की जरूरत है, और आप लोग के लिए और किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना। बहुत सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ, इतना सिस्टमैटिक वीडियो पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, इतना सिस्टमैटिक तो नहीं है भाई, है ना, रैंडमली किसी ने कुछ भी बना दिया 20 मिनट 25 मिनट का, ठीक है ना, उन चीजों से ज्यादा डेविएट होने की जरूरत नहीं है। यहां मैंने NCERT ही रखा है, और आपको सोचने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से सवाल सेलेक्ट किया। एज अ मेंटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस लॉजिकली व्हिच हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न रादर देन जस्ट रेक्टिफाई द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब देखो इथेनॉल से हमें जाना है प्रोपेन नाइट्राइल पर, कहां जाना है, प्रोपेन नाइट्राइल। अच्छा सर ये पहला कन्वर्जन है, और मैं इस पूरे वीडियो में करके आ रहा हूं, जो प्रोडक्ट है उसको ग्रीन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड। प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब पता है क्या, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, नाइट्राइल मतलब साइनाइड, तो यार इस Cl को अगर मैं Cn में बदल दूं 3 कार्बन भी आ जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल भी बन जाएगा, याद आ रहा है, रिएजेंट, हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही सोच रहे हो बिल्कुल। KCN डालेंगे तो CN माइनस आएगा, नाइट्राइल मिलेगा, AgCN डालेंगे तो NC माइनस आएगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा, क्या डाल दिया जाए इसमें बताइए, क्या डाल दिया जाए इसमें, KCN या NaCN, है ना, कौन सा मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, हमें मिल जाएगा CH3CH2, और Cl को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया भैया, Cl ने, दिस इज योर प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। चलिए जी ये भी हो गया, और कुछ करना है क्या हमें, अच्छा प्रोपेनोइक एसिड तक जाना था, हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ये तो अल्कोहल, इस अल्कोहल का अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें तब भी एसिड तक चले जाते हैं, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है ये, है ना, जैसे K2Cr2O7 डाल दो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, या जोन्स रिएजेंट H2SO4Cr3, ये सब के सब 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड तक लेके जाते हैं, या कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, याद आ रहा होगा ये अल्कोहल चैप्टर की बात है, इस चैप्टर के अनुसार करें तो फिर भी आप देखो अगर इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो ना तो 2 कार्बन का एसिड मिलेगा, गधों 2 कार्बन का, हमें कितने कार्बन का एसिड चाहिए, 3, और जब भी एक कार्बन बढ़ाना है एक ही तरीका है, KCN डाल दो, क्या डाल दो, KCN, बोलो बात समझ आ रही है, KCN एक कार्बन बढ़ा दिया उसने, ऑलरेडी बढ़ा दिया,
अब याद कर लो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया गया है, और मैंने इस चैप्टर में भी करा दिया था जानबूझ के ये रिएक्शन। यार कभी भी नाइट्राइल से एसिड जानना है तो आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है, ये भी याद रखें। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे अमाइड मिलेगा, आपको करना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। मतलब पहले हाइड्रोलिसिस किया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस एसिडिक बेसिक मीडियम में तो अमाइड मिला, और फिर उसको एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में ट्रीट करके हीट कर दो, तब वो एसिड में बदलता है। डोंट फॉरगेट, कई टीचर डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस लिख देते हैं, बट गो थ्रू योर एनसीईआरटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, तो वहां बताया उसने कि पहले अमाइड बनता है और फिर एच प्लस या ओ एच माइनस के साथ हीट करने पर कार्बोक्सिलिक बनता है। कई टीचर डायरेक्ट लिख देते हैं हाइड्रोलिसिस कर दो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या होता है। पहले आपने हाइड्रोलिसिस किया H2OH+, दिस इज योर हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस किया, बच्चों इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोला जाता है, इतने स्टेप को पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो अमाइड बनता है। फिर अगले स्टेप में एच प्लस या ओ एच माइनस एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट किया जाता है, तब जाकर के आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है? साइनाइड, ठीक है ना। अच्छा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH2 and COH। तो क्या हमने प्रोपेनोइक एसिड बना लिया क्या? देखिए भाई, तीन बॉक्सेस का मतलब क्या हो गया? हमने तीन अलग अलग कन्वर्जन कर लिए। देख लो भाई, जाना यहीं से था, इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड बनाया, फिर यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकता था, उनमें से एक है ये KCN वाला, ठीक है ना। साइनाइड मतलब नाइट्राइल तक आ गया, तीन कार्बन का नाइट्राइल है, प्रोपेन नाइट्राइल, और फिर आ गए हम लोग प्रोपेनोइक एसिड तक। इफ यू वांट मी टू राइट द नेम, आई विल राइट द नेम, डोंट वरी। तो ये था आपका वन क्लोरो इथेन, जिसका कॉमन नेम है इथाइल क्लोराइड। ये आपका हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है ना। ये क्या है? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्या आपका? इथेनॉल से नॉर्मल ब्यूटेन, मजेदार, इथेनॉल से नॉर्मल ब्यूटेन। यार कार्बन डबल करना है, कार्बन डबल करने के लिए सीधे दिमाग में एक रिएक्शन आता है वुड्स, कि सर वुड्स करा दीजिए आप, लेकिन वुड्स होता है किस पे? अल्काइल क्लोराइड पर, अल्काइल ब्रोमाइड पर, हेलो एल्केन्स पर होता है। तो हमारे पास तो अल्कोहल था ना, इथेनॉल था ना, यार इससे डबल कर रहा है, तो पहले इससे अल्काइल क्लोराइड तक पहुंच जाओ, जो कि हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसमें डाल दो सोडियम ड्राइथर, इसमें क्या डाल दो बता दो भाई, इसमें क्या डालना है? सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सा रिएक्शन करा देगा ये करा देगा बच्चों? वुड्स रिएक्शन, जो एक कपलिंग मैकेनिज्म है, कपलिंग रिएक्शन है, फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन होता है इसमें। इसका मैकेनिज्म भी बताया है, 12th लेवल पे भी बता दिया था मैकेनिज्म, है ना, कॉम्पिटिशन की। हालांकि ये बातें हैं, बताया था ना तीन चीजें, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है ना, इंट्रामॉलिकुलर कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। चलिए जी, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। सर आपने अब तक कितने करा दिए हैं? अब तक हमने चार हुए हैं। कोई रह गया है क्या? ये बन गया, ओके, चार हो गए। अब इथेनॉल से आना है सर ब्यूट वन एंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। कई बच्चे इस सवाल में फंस जाते हैं, बोलते हैं सर ये कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। अबे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यार, तो याद करो अल्काइल हाइड पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, हमें चार कार्बन का अल्काइल बनाना है। ऐसा करते हैं कि इसमें ना, मैं थोड़ा इधर इसको लिख रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमारे पास दो कार्बन का जुगाड़ हो गया, दो कार्बन और चाहिए। ऐसा करते हैं ना, ये न्यूक्लियोफाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, HC CNA+। लुक एट दिस न्यूक्लियोफाइल, सोडियम इथाइनाइड। ये सोडियम इथाइनाइड क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा इस कार्बन के ऊपर और Cl को बाहर निकाल देगा, सही है। तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, चार कार्बन, ठीक है ना। तो अब आपको मिल जाएगा चार कार्बन का अल्काइन, इसी का तो नाम है ब्यूट वन आइन। हाँ जी, इसी का नाम है ब्यूट वन आइन। आई होप ये वाले भी कन्वर्जन मजेदार आपको आए होंगे, समझ है कि नहीं, जिसमें हमने इथेनॉल से ही सारे कन्वर्जन किए। अब इसके बाद देखो, इसको पहले आप पॉज कर लो, इसको कॉपी कर लो, फिर हम ये वाले कन्वर्जन पर आते हैं जिसमें बेंजाइल अल्कोहल से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। मजा आ रहा है, स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना। रेगुलरली आप इन वीडियोस को चेक करना, ये सीरीज मैं चलाऊंगा कन्वर्जन सीरीज हर चैप्टर का, फिर डिस्टिंक्शन टेस्ट का सीरीज बोला है ना, हाँ, और फिर उसके बाद मैकेनिज्म वाली सीरीज, समझ लो क्या, ध्यान से हाँ, कोई भी लेक्चर मिस ना हो जाए, लिखो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। भाई साहब इसमें जो कन्वर्जन है, ये तीन लग रहा सेम ही रिएक्टेंट्स है, तो इन तीन को करेंगे, फिर वीडियो पॉज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए चलिए जी, बेंजाइल अल्कोहल, ओहो हो, बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर नहीं आता,
गधों, बेंजाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? ऐसा sp3 कार्बन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा था। ठीक है, अब समझ आ रहा है सर, बेंजाइल अल्कोहल ये आप कहना चाहते हैं कि ये है, कि ये बेंजीन है, इस पे जुड़ा हुआ सर एक sp3 कार्बन है और इस पर जुड़ा हुआ OH है। हाँ जी, यही है बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल, और ये बेंजाइलिक 1 डिग्री, इट कुड हैव बीन बेंजाइलिक 2 डिग्री, बेंजाइलिक 3 डिग्री, व्हाटएवर इट इज, बट इट इज अ बेंजाइल अल्कोहल। अब इस बेंजाइल अल्कोहल से हमें बनाना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। ओहो, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, तो ये तो कार्बन नंबर 1 है ना, और ये 1-फिनाइल टाइप का कंपाउंड है, हमें 2-फिनाइल चाहिए। ओह, 2-फिनाइल 2-फिनाइल, इसका मतलब एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए। हाँ, एक कार्बन अगर बढ़ा दें तो उसके बाद ये 2-पर फिनाइल चला जाएगा। सर, कार्बन बढ़ाने के लिए आपने बताया अभी अभी KCN डालना होता है, लेकिन वो KCN किस पर काम करेगा? हेलो एल्केन्स पर। तो क्या हम यहाँ से हेलो एल्केन्स तक आ जाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है, कन्वर्ट करो इसको। हेलो एल्केन्स पर कैसे कन्वर्ट करोगे सर? SOCl2, PCl3, PCl5, उनमें से कोई भी है, बेहतर कौन सा? SOCl2 डार्जन्स। ठीक है, तो इसमें आपने क्या बना लिया सर? इसमें बन गया बेंजाइल क्लोराइड। तो अगर ये कन्वर्जन होता कि आप कन्वर्ट कीजिए बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल क्लोराइड, तो मजा ही आ जाता ना, मजा ही आ जाता ना। सिंगल स्टेप में काम हो गया भाई, एक ही स्टेप में 1 रुपए खर्च करके काम हो गया। अच्छा, ठीक है ठीक है, अब क्या इससे एक कार्बन अब बढ़ जाएगा? हाँ, क्या डालें? केसीएन। हाँ, केसीएन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, केसीएन डाल देते हैं, लेट अस एड केसीएन। हमने इस बेंजाइल क्लोराइड को ट्रीट कर दिया केसीएन से, इससे क्या होगा सर? ये जो Cl- है ना, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl- से, KCl बाहर निकल चुका होगा। हाँ बिल्कुल सही, तो कंपाउंड कुछ ऐसा मिल रहा है कि आपके पास फिनाइल है, दिस इज बेंजीन का प्रीफिक्स ही फिनाइल होता है, बहुतों को नहीं पता है ये सब, ठीक है ना। CH2 है, बहुतों से मेरा मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, टीचर्स की मैं बुराई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, बताइए 2 पर अब ग्रुप आ गया। देखो कार्बन नंबर 1 अब किसको लोगे तुम? कार्बन नंबर 1 इसको लेंगे, कार्बन नंबर 2 इसको, तो 2 पर फिनाइल शिफ्ट हो चुका। लेकिन सर हमें ये कंपाउंड नहीं चाहिए, हमें ये कंपाउंड नहीं चाहिए, हमें इथेन नाइट्राइल नहीं चाहिए था। देखो ये इथेन नाइट्राइल टाइप का था ना, 2-पर फिनाइल इथेन नाइट्राइल, ये इसका यूपीएस नेम है। हमें चाहिए 2-पर फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो अभी अभी तो सिखाया यार, नाइट्राइल से एसिड बनाइए। देखो आपका रिवाइज भी हो रहा है, पुराने रिएजेंट का यूज करा करके एक अलग कन्वर्जन हो गया है कि नहीं। अच्छा, तो हमें क्या करना है इसमें? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल नहीं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड में बदलता है CN ग्रुप। अच्छा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या डालते हैं सर? पहले तो आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए एसिडिक बेसिक मीडियम में, ठीक है। मैंने चलो H2S+ डाल दिया, ये हो गया पार्शियल हाइड्रोलिसिस। फिर आप क्या कर सकते थे? एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट, ये कहलाता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए, 2 वैरायटी के लिए, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट अमाइड बनता है, ठीक है ना। अब आपको मिलेगा क्या? मिलेगा सर एसिड, कौन बदल गया एसिड में? CN ग्रुप। ओ, तो यही वो कन्वर्जन है जो हमसे पूछा गया। हाँ सर, यही वाला था पहला, दूसरा 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड या 2-फिनाइल एसिटिक एसिड। तो देखो इसमें हमने 2 कन्वर्जन कर लिए हैं क्या? लेट अस चेक, बेंजाइल से 2-फिनाइल। ओहो, ये तो पहले ही है सर, कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें सीख चुके हम लोग, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, स्टेप ज्यादा लग गए हैं, बस ये बात है ना। अच्छा, इसका हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी कर सकते थे, जो अल्कोहल चैप्टर में हालांकि आएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, माइल्ड ऑक्सीडेशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए जनरली आपके एनसीईआरटी में जो रिएजेंट्स है, पीसीसी या CrO3 है ना, पीसीसी या CrO3 एनहाइड्रस कंडीशन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो अब देखो भाई साहब, यहाँ कार्बन कितने हैं रिंग के बाहर? कितने? 1। और बेंजाइलडिहाइड में भी रिंग के बाहर कितने कार्बन होते हैं? 1 ही। कार्बन बढ़ाना नहीं है अब, तो इस पूरे CH2OH को बदलना है किसमें? एल्डिहाइड ग्रुप में। तो सर ऐसा कर लीजिए कि यहां से माइल्ड ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ठीक है, करा देते हैं। क्या डालना होता है? पीसीसी या CrO3 एनहाइड्रस कंडीशन में, पीसीसी या CrO3, सही है। तो उसमें क्या होगा, ये CH2OH ग्रुप जो है, ये जो CH2OH ग्रुप है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो CH2OH ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। क्या मिलेगा हमें? बेंजाइलडिहाइड। क्या मिलेगा हमें? बेंजाइलडिहाइड। CH2OH कन्वर्ट्स इनटू CHO ग्रुप, माइल्ड ऑक्सीडेशन हो गया, माइल्ड ऑक्सीडेशन, इज दैट क्लियर? और वही अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं, देखो बेंजोइक एसिड तक जाना था हमें, है ना, एक कार्बन ही रखे थे रिंग के बाहर एसिड में, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने के लिए आप डाल दीजिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये जो आपको बेंजाइलिक ग्रुप दिख रहा है, बेंजाइल अल्कोहल वाला पार्ट दिख रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COH में, है ना। तो देखिए भाई, कितनी आसानी से हमने मिलते जुलते रिएक्शंस को कर लिया है।
हाँ मैं बताऊं कि जो बच्चे सिर्फ चैप्टर 10 पढ़ के देख रहे हैं, जो बच्चे अभी अभी 12th में आए हैं, जिनका हेलो एल्केन चैप्टर खाली पूरा हुआ है स्कूलों में, वो इन दो रिएक्शंस के बारे में नहीं समझ पाएंगे। पर हाँ, जो एल्कोहल तक पढ़ चुके हैं उनको समझ आएगा, और जो ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे बच्चे ना, वो भी इन रिएक्शन को रिलेट कर चुके होंगे। बात समझ आ रही क्या? ओके, तो हमने कौन कौन सा कर दिया सर? 16, 17 एंड 18। अब देखो ब्यूटेन 101 से बनाना है, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट 3 कन्वर्जन और बचते हैं सर यहाँ पर, ब्यूटेन 101 से कुछ कंपाउंड बनाने हैं और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चलिए जी, ब्यूटेन 101 आपको पता है क्या? जी सर, 4 कार्बन होंगे और पहले कार्बन पर क्या जुड़ा होगा? OH। सो दिस इज द ग्रुप दैट नीड्स टू बी सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज इनिशियल रिएक्टेंट। ठीक है, अब ब्यूटेन 101 से बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, नॉर्मल ब्यूटाइल तो इसी को बोलते हैं भाई, और यहाँ पर एक क्लोराइड लाना है, या यूपीएससी नेम नहीं है ये, कॉमन नेम है। ठीक है ना? अच्छा, तो हम इसमें SOCl2 कर सकते हैं। ये सब तो अब दिमाग में छप गया सर, आज जो आपने कराया ना, इससे बहुत सारे रिएक्शन दिमाग में छप गए हैं। ठीक है ना? पहले से नहीं आता था लेकिन अब आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम टेंशन नहीं ले रहे, टेंशन तो आपने ले रखा है हमारा। ठीक है, कैसे रिजल्ट ऑप्टिमाइज करें? ठीक है, हाँ भाई 90+ का दावा है, बता रहा हूँ, बस केवल इन सीरीज को देखते रहना एंड तक। PYQs की भी सीरीज एक चल रही है हमारी, वो PYQs भी अपलोड होते रहेंगे, उनको भी देखते रहना है। ठीक है ना? और वैसे कल लाइव PYQs है, जो जान रहे हो, यूट्यूब पर लाइव नहीं है इस वक्त, नहीं है, आई डोंट हैव एज मेनी सब्सक्राइबर, दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट टू गो लाइव। ठीक है ना? खैर अभी देख लीजिए, तो SOCl2 डाल देंगे, ये आ गया। ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे 1000 तक जाएंगे ना, यहीं पर लाइव जाएंगे, बता रहा हूँ। ठीक है ना? नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो 2-chloro-butane, 2-chloro मतलब कहाँ पर चाहिए मुझे? ओ यहाँ पर चाहिए। सर ये कैसे होगा सर, कुछ कुछ बताइए कैसे। ऐसा करते हैं कि यार 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड लाने का जुगाड़ कर देते हैं, है ना? अगर कार्बन नंबर 1 और 2 पे डबल बॉन्ड किसी तरीके से हम ले आएंगे ना, तो सर उसके बाद मार्कोनिक ऑफ करा दीजिए ना, हो जाएगा। हाँ सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना होगा डबल बॉन्ड लाने के लिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाई टेम्परेचर, बोला है कि नहीं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाई टेम्परेचर विल कॉज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्कोहल, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट, है कि नहीं? अब फिर से बोलोगे सर ये चैप्टर 10 में नहीं, हाँ नहीं है बच्चे, लेकिन देखो सीखने के लिए कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए। ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट किसके लिए है? जिनका सिलेबस पूरा है, जो अभी 1 महीने बाद, 1 महीने से भी कम टाइम है, हाँ केमिस्ट्री में 1 महीने है अभी भी, ठीक है ना, उसके लिए अपीयर करना चाह रहे। ये उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन, मतलब अल्फा पर से जाता है OH और बीटा पर से जाता है H, यहाँ का एक H हटेगा, यहाँ का एक OH हटेगा और आ जाएगा बीच में डबल बॉन्ड। आपको मिल चुका होगा ब्यूट वन ईन, क्या मिल चुका होगा? ब्यूट वन ई, यस वी गॉट टू ब्यूट वन ई, यहां से यहां आ गए। अब हमें क्या करना था कि सर यहां पर क्लोरो ग्रुप चाहिए, यार अभी अभी तो पढ़ा है मार्कोनिक ऑफ एडिशन, हाँ जी क्या डालते हैं उसमें? HClHBrHI, हमें कौन सा लाना था? क्लोरो, HCl डाल दिया और हमें मिल चुका है 2-chloro-butane। सर मजा आ रहा है सर, समझ आ रहा सर, मतलब जो बच्चे पहले अल्कोहल चैप्टर नहीं पढ़े फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको बता दूं कि एक रिएक्शन ये दिमाग में रखना है कि अल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके हीट करेंगे तो हमें मिलता है एल्कीन, डिहाइड्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, और फिर हमें मिल जाएगा 2-chloro-butane। अब अगर हम देखें यहां से तो एक लास्ट और एक कन्वर्जन, उसको भी यहीं पर देख ले क्या, कुछ है क्या हमारे पास जगह वगैरह है क्या? सर जगह तो कम बच रहा है लेकिन हाँ देख लेते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बच्चों ये आंसर नंबर 21 है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप जिन बच्चों को पता है वो इसको कहते हैं भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा तो यहाँ OH है, हाँ सर ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसका नाम प्रोपेन टू ओल भी है। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा कार्बन तो इसको ही कहते हैं जिस पर OH है, जैसे यहाँ बोला था ये अल्फा और ये बीटा, तभी तो बीटा एलिमिनेशन हुआ था, सही है? अच्छा तो अल्फा कार्बन पर OH है और इसी अल्फा कार्बन से अगर एक भी मिथाइल जुड़ा है तो वहीं वहीं पर हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है। आइडोफॉर्म मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा अल्कोहल है जिसके अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ एक मिथाइल है तो उसमें क्या डालने पर आइडोफॉर्म बनता है? I2 कंसंट्रेटेड NaOH, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH। याद करो ये रिएक्शन हमने एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा है, यहां पर भी पढ़ा है, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, या फिर इसके जगह पर सोडियम हाइपो आयोडाइड NaOI, इनके प्रेजेंस में हीट कीजिए,
है ना, सोडियम हाइपो आयोडाइट, आयोडाइट IODITE, तब जाकर के ये मिथाइल ग्रुप जो है ये बदल जाता है आयोडो फॉर्म में। ये आयोडो फॉर्म येलो पीपीटी होता है। ये आयोडो फॉर्म क्या होता है? येलो पीपीटी। वाह क्या आयरोनिकल बात है, येलो पीपीटी को ग्रीन से लिख रहे हो आप। और ये जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। कितने कार्बन है अपने पास? दो कार्बन, तो CH3COONH, दो कार्बन का सोडियम सॉल्ट। आई होप ये सारे कन्वर्जन समझ आए हैं, ठीक है ना। स्टे ट्यून्ड, अभी इसमें दो तीन कन्वर्जन और रहते हैं एनसीईआरटी वाले, उनको देखने जा रहे हैं, तो एक बार कॉपी कीजिए बच्चों इस इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सीरीज में। ये कुछ जो अभी रिएक्शन लिखे हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में से, ये और भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये पोजीशन शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन है, शुरू के जो तीन है ना, शुरू के जो तीन है एनसीईआरटी के ही है, पोजीशन शिफ्टिंग के क्वेश्चन है, मजेदार है। मतलब एक जगह से हैलोजन हटाना है दूसरी जगह लाना है ना, एक जगह से डबल बॉन्ड हटाना है दूसरे जगह लाना है, पोजीशन शिफ्टिंग। ये हमेशा दो स्टेप में होगा, एक बार हटाने के लिए एलिमिनेशन करो और एक बार लाने के लिए एडिशन करो। बात समझ आ गई क्या? आइए चलिए देखते हैं, मजेदार है। यहां पर आपके पास पहले क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है सर वन क्लोरोब्यूटेन, वन क्लोरोब्यूटेन देखेंगे सभी लोग, देखेंगे अपने पास है वन क्लोरोब्यूटेन। हमें इसको ले कहां जाना है? टू क्लोरोब्यूटेन बनाना है, मतलब इसको हटा के टू पर लाना है। पहले पर से हटा करके कहां लाना है भैया? टू पर लाना है, टू पर लाना है, टू पर। हटाने के लिए क्या किया जाए? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, आप कुछ बच्चों को ये रिएजेंट नहीं पता है, कोई बात नहीं है बच्चों, आप इसमें बेस डाल के हीट कीजिए। बेस जो यूज होता है वो है अल्कोहलिक KOH, भूलना नहीं। अगर पहले से आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो बस आप इतना याद रखिए कि किसी भी अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NOH डाल के हीट किया तो बीटा एलिमिनेशन हो जाता है अल्काइल हैलाइड में और एल्कीन मिलता है। वही अल्कोहल में बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट किया था। बोलो, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अल्काइल हैलाइड में बीटा एलिमिनेशन कराया अल्कोहलिक KOH से, तो अल्फा पर से जाएगा हैलोजन, बीटा पर से जाएगा हाइड्रोजन और इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड। मतलब पहले हम आ गए हैं एल्कीन पर, मैंने पहले ही बोला ये दो स्टेप में होगा, तो यहां तक आ गए। अब बताओ एल्कीन पर जब आ गए हो तो क्लोरो को लाना तो आसान है ना। हाँ जी सर, क्लोरो को कैसे लाएंगे? मार्कोनिकोफ एडिशन कीजिए तब यहां आएगा, एंटी मार्कोनिकोफ करते तो फिर यहीं चला जाता, तो इसमें डाल दीजिए आप लोग HCl, कर दीजिए मार्कोनिकोफ एडिशन। तो मार्कोनिकोफ एडिशन करने से कहां चला जाएगा? Cl कहां चला जाएगा? दो पर। और H कहां चला जाएगा? फर्स्ट पर। आपको मिल जाएगा टू क्लोरोब्यूटेन। आई होप ये बात समझ आ गई, बड़ा ही आसान सा रिएक्शन था सर। सर कन्वर्जन पे कमांड हो रहा, सर आप ऐसी सीरीज और बनाइए, ये तो मैं कहना पड़ेगा तब मैं ऐसी सीरीज बनाऊंगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि डू यू नीड मोर सच सीरीज और नॉट, ठीक है ना। यस, इफ यू नीड मोर सच सीरीज यू विल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। अब देखो टू ब्रोमोब्यूटेन से वन ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, टू ब्रोमोब्यूटेन से वन ब्रोमोब्यूटेन, देखते जरा। टू ब्रोमोब्यूटेन क्या था सर? सेकंड कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है, सेकंड कार्बन पर ना ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है, और सर हमें लाना है पहले पर। फिर से वही करना है, टू स्टेप प्रोसेस है, पहले हटाओ फिर लाओ। हटाने के लिए क्या करना होगा हमें? हटाने के लिए क्या करना होगा हमें? अल्कोहलिक KOH डाल के हीट, अल्कोहलिक KOH डाल करके हीट, तो अल्फा और बीटा एलिमिनेशन, मतलब समझ लो अल्फा पर से क्या जाएगा? अल्फा पर से देखो ये अल्फा है ना, अल्फा है। अब मुझे यहां पर चाहिए होगा डबल बॉन्ड, यहां पर चाहिए होगा। अब ये थोड़ा दिमाग वाली बात हो गई सर, यहां पर दो तरह के बीटा है, या तो एलिमिनेशन इधर से हो सकता था या तो एलिमिनेशन इधर से हो सकता है। तुम्हें एक बात बताई थी मैंने कि अगर बेस बल्की ले लिया जाए, बल्की बेस ले लिया जाए, तो बल्की बेस इन क्राउडेड बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन नहीं हटाते, वो लेस क्राउडेड बीटा कार्बन पर से एच प्लस हटा के एलिमिनेशन कराते हैं। तो एल्कोहलिक KOH में है OH माइनस आ रहा है ना, और दूसरा C2H5O माइनस आ रहा है, ये बल्की बेस नहीं है। बल्की बेस में याद रखो ये क्रॉस वाले, याद आया है ना, O माइनस, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये बेस लेना पड़ेगा, तब ये अटैक करेगा लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन पर, वहां से H प्लस हटाएगा और तब डबल बॉन्ड इस इलाके में आएगा, वरना इसके साथ तो इसी इलाके में बनेगा, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं, पहले वन और टू के बीच में डबल बॉन्ड ला रहे। अब तुम पूछोगे क्यों वन टू के बीच में? अबे तुम प्रोडक्ट देखो जिसमें जाना है, वन पर तो मैं ब्रोमो लाना था ना, वन पर, तो डबल बॉन्ड इसी इलाके में चाहिए होगा ना। अब इस इलाके में डबल बॉन्ड लाने के लिए सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, बल्की बेस है ना, देखो जी बल्की बेस कौन सा है ना, वही वो क्रॉस वाला, ठीक है ना, डालिए जी क्रॉस वाला, कैसे? मिथाइल यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल ले लो ना यार, टर्शियरी ब्यूटाइल अब बनाना तो आना चाहिए भाई, है ना,
टर्शियरी ब्यूटाइल ओ माइनस एन ए प्लस. नाउ दिस इज वेरी वेरी बल्की बेस. इसका काम क्या है, ये कहां से हटाता है एच प्लस, लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन से, है ना. इसके प्रेजेंस में हीट कर दो तो ये अटैक करेगा इस बीटा कार्बन पर और यहां से बी आर माइनस को हटाएगा और आपको मिल जाएगा ब्यूट वनिन. लुक एट द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये बना पहले ब्यूट वनिन, ऊपर भी बना था ब्यूट वनिन, ऊपर वाले में तो बनना ही आता, एक ही बीटा था, या तो दो दो बीटा थे ना यार, इसलिए तो करना पड़ा, है ना. अब हमें कहां चाहिए ब्रोमो ग्रुप पहले पर, तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, एंटी मार्कोन को HBr परऑक्साइड के साथ, HBr परऑक्साइड के साथ. तो देखो ना यार, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वन ब्रोमो ब्यूटेन. क्या हम कन्वर्जन कर चुके, क्या हम अपने प्रोडक्ट तक आ गए, मेन प्रोडक्ट तक. हमें जाना कहां था, वन क्लोरो ब्यूटेन से टू क्लोरो ब्यूटेन, हाँ ये हो गया. फिर कहां जाना था, टू ब्रोमो ब्यूटेन से वन ब्रोमो ब्यूटेन, है ना. तो क्या हमने 22वां कर लिया, हाँ जी. 23वां भी हो गया, हाँ सर. अब कौन सा बच रहा है सर, 24 और 25. देखो इतने सारे कन्वर्जन क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये सिर्फ चैप्टर 10 के बेसिस पर है, ज्यादातर थोड़े बहुत एल्कोहल के रिएक्शन भी आए हैं, ठीक है ना. नंबर 24 क्या है, ब्यूट वनिंग से ब्यूट टू इन पर जाना है, चलेंगे कोई बड़ी बात नहीं यार, यही है ना ब्यूट वनिंग, हाँ सर यही. अब कुछ जाना कहा है, यहां पर, यहां पर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने के लिए पहले हैलोजन को यहां बुला लो और हैलोजन को यहां बुलाने के बाद फिर से एलिमिनेशन करा दो इस इलाके के लिए, ठीक. तो यहां से पहले यहां आना है आपको, मार्कोनिकॉफ कर लीजिए ना, क्या कर लीजिए, मार्कोनिकॉफ. तो अगर मैं इसमें मार्कोनिकॉफ करता हूं, सपोज HBr डाल देता हूं या HCl डाल देता हूं, HCl डाल लेते हैं, ठीक है. HCl अगर मैं डाल लू, देखो मतलब मैं चाहूं तो यहीं पर जोड़ सकता हूं, यहां से पहले इस पर आए और फिर वहां तक चले, बन गया है ना. लेकिन देखो HCl डाल देंगे तो टू पर तो आ गया Cl, टू पर तो आ गया Cl, ठीक है ना, और पहले पर आ गया H. बोलो ये बन जाएगा क्या, ठीक है ना, ये बन जाएगा क्या. अब हम क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन करा देंगे. देखिए ये अल्फा है, अभी बात हुई हमारी, ये बीटा वन है और ये बीटा टू है. अब हमें एलिमिनेशन किस डायरेक्शन में चाहिए, इस तरफ चाहिए, इस इलाके में चाहिए. तो बल्कि बेस लेने की जरूरत नहीं है, हल्के बेस ले लो. हल्के बेस कौन से थे, अल्कोहलिक KOH, अभी बताया है. तो इसमें अल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दो यार, अल्कोहलिक KOH एंड हीटिंग. याद करो एक्वस KOH क्या करता था, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाता था. अल्कोहलिक KOH क्या करता है, बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है ना. जो भी अल्कोहलिक लोग होते हैं वो रिश्ते तोड़ते हैं, लड़ते रहते हैं, तो ऐसे याद रहेगा, अल्कोहलिक KOH तोड़ता है, एक्वस KOH पानी पिलाना, किसी के साथ बॉन्ड बनाना, समझ गए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो क्या बनेगा इसमें, ब्यूट टू इन, हाँ चलो 24 भी हो गया. 25वां ये जो कन्वर्जन है थोड़े क्लास 11 से भी रिलेटेड है, तो इसका आंसर देखिए इधर, ये क्लास 11 के भी रिएक्शन से रिलेटेड है. अपने पास है प्रोपीन और जाना हमें प्रोपाइन पर, एल्किन से अल्काइन जाना भाई, तो ये क्लास 11 का रिएक्शन है, एनसीईआरटी में कहीं इसके बाद 12th में तो नहीं हुई. अल्काइन बनाने का एक मेथड अगर क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ोगे तो वो वेस्टर्न डाइहैलाइड से बना के देते हैं, वेस्टर्न डाइहैलाइड में दो बार एलिमिनेशन करा दो और कुछ नहीं. देखो भाई इससे पहले मैंने बना लिया विस्नल डाइहैलाइड. बताओ क्या डालते हैं, Br2CCl4, Cl2CCl4 एंटी एडिशन, है ना. अच्छा तो यहां पर एक ब्रोमो इस पर आ चुका होगा और एक ब्रोमो इस वाले पर भी आ चुका होगा, है ना, इस वाले पर भी आ चुका है, ऐसे दिखा दिया मैंने. काइरल सेंटर नहीं है इसलिए, ये वाला काइरल है, बीच वाला काइरल है. खैर वो सब बातें नहीं, अभी कन्वर्जन की बात चल रही सर. अब अगर आप इधर से Br और इधर से H हटा दें, फिर इधर से एक H और इधर से Br हटा दें, दो बार एलिमिनेशन कर दें, तो यहां आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड. एक बार एलिमिनेशन कराए तो एक बॉन्ड, एक बार और करा दीजिए तो दो बार बॉन्ड, ठीक है ना. इस काम के लिए क्या डालते हैं, पहले तो डालते हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH, है ना. तो पहले एक HBr हटाऊंगा, समझना, एक HBr हटाऊंगा और फिर एक बार और HBr हटाना है, लेकिन डबली बॉन्डेड कार्बन पर से हटाना, और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है भाई, और वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaNH2 सोडामाइड डाल के हीट. तो देख लीजिए वेस्नल डाइहैलाइड से अल्काइन पर आया जाता है ये दो बेस की मदद से, अल्कोहलिक KOH एंड सोडामाइड, ठीक है. तो आपको मिल जाएगा CH3CH ट्रिपल बॉन्ड एंड CH. प्रोपाइन तक आ गए, बोलो भाई प्रोडक्ट यही चाहिए था ना, हाँ जी सर यही चाहिए था, प्रोपीन से प्रोपाइन, ठीक है. आई होप कि जितने भी मैंने अभी तक 25 क्वेश्चन कराए हैं ये समझ आ रहे होंगे, ठीक है ना. इसके बाद जो छोटे मोटे और कन्वर्जन है इसके,
ज्यादातर अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे अब, तो जो कन्वर्जन है वो बेंजीन वाले हैं। मैं बेंजीन के सारे रिएक्शन के कन्वर्जन और फ्लो चार्ट एक दूसरे वीडियो में लूंगा, मैं कन्वर्जन में ही लूंगा, डोंट वरी। लेकिन बेंजीन और बेंजोनाइट कंपाउंड्स को एक साथ ले लेंगे, समझ लो ना, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ये आज का पहला कन्वर्जन वीडियो जिसमें हमने ज्यादातर बातें करी हैं हेलो एल्केन्स के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की, वो पूरा होता है नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, और वो तभी आएगा जब रिस्पॉन्स अच्छा होगा, बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो तभी आएगा जब रिस्पॉन्स अच्छा होगा, उसमें हम लोग कन्वर्जन करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, ठीक है ना, और बताते रहो कि भाई किस तरह की मेहनत चाहिए मुझसे, ठीक है ना, जिस तरह के वीडियोस बोलोगे मैं उस तरह के बनाता रहूंगा। थैंक यू।